जी, आज 26 नवंबर 2019 को हमारे भारत के संविधान को लागू हुए 70 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आज सेंट्रल गर्ल्स स्कूल से लेकर समस्त मुख्य मार्गों से होती हुई रैली जो बच्चों के द्वारा निकाली गई है संविधान दिवस के प्रति जागरूकता के लिए, वो यहाँ गांधी भवन पर आकर रुकी है, जिसका सभी धर्म के जो सम्मानित धर्मावलंबन जो धर्मगुरु हैं और जो सामाजिक संगठन हैं और जो स्कूल्स के स्टाफ प्रिंसिपल्स और हमारे जुडिशल ऑफिसर्स और सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इसको विशेष रूप से मनाने का लक्ष्य इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बार माननीय राजस्थान हाईकोर्ट और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त ये निर्णय लिया गया है कि हम इसको एक व्यापक स्तर पर संविधान दिवस को मनाएंगे, ताकि तकरीबन करोड़ों लोगों तक हमारे संविधान दिवस की जानकारी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संविधान दिवस के प्रति जागरूक बने। हमारे देश के संविधान में जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं और जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं उनके प्रति लोग जागरूक बने। हम हमारे अधिकारों के बारे में तो फिर भी सजग रह सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों के प्रति कई बार हमसे अनजाने में अनदेखी हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमारे नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं, जिसमें भारत के संविधान के जो उच्च आदर्श हैं, उनको हम सभी अपने हृदय में संजो के रखें। और जो चाहे वन्य जीव हो, नदी हो, जल हो, जीव जंतु हो, उनका संरक्षण करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, सामाजिक समरसता बनाए रखें, आपस में भाईचारा रखें, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। और जो हमारे भारतीय संविधान में जो नियम, उपनियम और विधान जो दिए हैं, उनके प्रति हम आदर और श्रद्धा का भाव रखें और सच्ची निष्ठा से उनमें दिए हुए नियमों का पालन करें। हम सब भारत संविधान में जो वर्णित अधिकार, शक्तियाँ और कर्तव्य हैं, उनसे गवर्न होते हैं और उनके बारे में जो विशिष्ट जानकारी है वो प्रत्येक जन जन तक पहुँचे। उसी उपलक्ष्य में हमने ये व्यापक स्तर पर संविधान दिवस मनाने का लक्ष्य लिया है।